यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसे शॉर्ट में UCC भी कहते हैं। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इसकी इजाजत भारत की संविधान देती है और क्या है इस लॉ की लाभ और नुकसान, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। चलो। समान नागरिक संहिता एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले नागरिक कानूनों का एक सामान्य सेट बनाना है। वर्तमान में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के अपने निजी कानून यानी ओन पर्सनल लॉ है जो इन मामलों को नियंत्रित करते हैं। तो क्या इस लॉ की जरूरत है, तो देखिए जब संविधान बनाई गई थी तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की लागू करने की बात कही गई थी और कानून मंत्री के रूप में B.R. अंबेडकर इस विधेयक का विवरण प्रस्तुत करने के प्रभारी थे। यह पाया गया है कि रूढ़िवादी हिंदू कानून महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते थे क्योंकि एक विवाह, तलाक और विधवा को संपत्ति विरासत में देने का अधिकार शास्त्रों में मौजूद था। भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश की लेकिन संसद में कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय के संविधान निर्माताओं ने इसको दिशा निर्देश के रूप में संविधान के चौथे भाग के 44वें अनुच्छेद में रखा कि भविष्य में आने वाले राजनेता लागू कर सकते हैं। 44वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पिछले और मौजूद सरकार को भी बोल चुकी है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। इससे पता चलता है कि UCC जरूरत है लेकिन क्या अभी ही जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड BJP के मैनिफेस्टो में शामिल था और 2024 में लोकसभा चुनाव है जिसके कारण से BJP सरकार इसको लाना चाहती है। अब समान नागरिक संहिता के लाभ क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है, पहले लाभ देख लेते हैं। नंबर 1, समानता यानी इक्वालिटी। UCC को लागू करने का एक प्राथमिक लाभ यह है कि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के साथ चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो कानून के तहत समान व्यवहार किया जाए। दूसरा, लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस। UCC लैंगिक समानताओं को दूर करने और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह व्यक्तिगत कानूनों में प्रचलित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने में मदद कर सकता है जो महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जैसे बहुविवाह और असमान विरासत अधिकार। तीसरा, सरलीकरण और अस्पष्टता यानी सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी। UCC व्यक्तिगत मामलों से संबंधित कानूनी प्रावधानों में एकरूपता और अस्पष्टता लाएगा। यह कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है, कानूनी जटिलताओं को कम कर सकता है और विवादों को सुलझाने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान कर सकता है। चौथा, राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन। UCC सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों के एकमात्र सामान्य सेट को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है भले ही उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। यह सांप्रदायिक तनाव को कम करने और विविध समुदायों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ये तो रहा UCC का लाभ, अब हम लोग देखेंगे UCC का यानी समान नागरिक संहिता के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पहला, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता यानी कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। आलोचकों का तर्क है कि UCC को लागू करने से भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता कमजोर हो सकती है। उनका मानना है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान का अभिन्न अंग है और संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रतिरोध और विरोध यानी रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन। UCC को लागू करना एक जटिल और संवेदनशील कार्य है। इसे धार्मिक समूहों और समाज के रूढ़िवादी वर्गों से विरोध का सामना करने की संभावना है जो इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। तीसरा, कार्यान्वयन चुनौतियां यानी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। भारतीय समाज की विविध प्रकृति इसके कई धर्मों और रीति रिवाजों के साथ एक समान संहिता का मोशादा तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती है जो समानता सुनिश्चित करते हुए सभी समुदायों की भावनाओं और प्रथाओं का सम्मान करती हो। चौथा, सामाजिक विघटन सोशल डिसरप्शन। आलोचकों का तर्क है कि UCC को अचानक लागू करने से समुदायों में गहराई से अंतर्निहित मौजूदा सामाजिक संरचनाएं और प्रथाएं बाधित हो सकती है। किसी भी सामाजिक उथल पुथल को कम करने के लिए क्रमिक और संवेदनशील दृष्टिकोण
लोन की आवश्यकता होती है। यूसीसी का लाभ और नुकसान दोनों देख चुके हैं, तो निष्कर्ष पे आते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता के फायदे और नुकसान दोनों है। हालांकि इसका उद्देश्य समानता और न्याय को बढ़ावा देना है, लेकिन इसे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पर विचार करने और उसका सम्मान करने की भी आवश्यकता है। इन विचारों के बीच संतुलन बनाना एक ऐसे कोड को आकार देने में महत्वपूर्ण है जो सभी नागरिकों को लाभान्वित करता है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें, और इस तरह के अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।